हेलो स्टूडेंट, मैं दिया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल जो लास्ट क्लास थी, क्लास 14, उसके अंदर हमने मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट डिस्कस किया था, तो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था। और उससे जो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं, और उसी तरह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीफेज सर्किट, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्किट है क्योंकि बच्चों आगे जब हम ट्रांसफार्मर मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर सिस्टम की बात करेंगे तो थ्री फेज सिस्टम की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पॉलीफेज सर्किट मतलब थ्री फेज सर्किट हमारे काम आएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक बातें हमें जाननी है, और उसके बाद में एग्जाम के अंदर इसका क्या क्वेश्चन आता है और वो क्या पूछता है, और ये सब हमें जानना है। और एक मैं बता दूं, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पॉलीफेज का नाम आता है कि आप पैनिक हो जाते हो कि यार पॉलीफेज आ गया, पॉलीफेज आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं क्या ही आ गया। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हमें करनी है और वो हम करके छोड़ेंगे, यही हमारा टारगेट है। एग्जाम में हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें फ्यूचर के लिए याद रखनी है। ठीक है, तो वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे अपने। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीफेज सर्किट के अंदर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूं बच्चों। ये जैसे सर्किट है, तो क्या आप इसे पॉलीफेज सर्किट कह सकते हो? कतई नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें जब आप सप्लाई दोगे तो एक वायर से करंट जाएगा और दूसरी वायर से करंट रिटर्न में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही वायर है, एक ये वाला वायर है और एक ये वाला वायर है। ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई दो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज भी बच्चों एक ही है। ठीक है, एक वायर जहां से आपका करंट रिटर्न हो रहा होता है उसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, क्योंकि कोई भी शॉकेट होता है बच्चों तो आपने शॉकेट में देखा होगा एक पॉइंट जो होता है वो फेज होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो करंट का रोटेशन आपका फेज टू न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये सिंगल फेज टू वायर सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉलीफेज नहीं है, ये सिंगल फेज है। अब थोड़ा सा बारीकी से मैं आपको इस सिग्नल के बारे में बता देता हूं। जब भी बच्चों सिग्नल ऐसे लिखा हो, ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है या रेक्टेंगुलर फॉर्म है? स्टार्टिंग में मैंने आपको एसी के अंदर बताया था, तो ये आपकी पोलर फॉर्म है। अब थोड़ा ध्यान दे, इसके अंदर लिखा है बच्चों वीपी और एंगल में लिखा है फाइव, फाइव तो हो गया आपका फेस। ठीक है, और वीपी हो गया आपका वोल्टेज। ये वीपी जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज होता है? तो ध्यान रखना आरएमएस वोल्टेज होता है। जब भी इस तरह से करंट या वोल्टेज लिखी जाती है दैट विल बी काउंटेड एज ए आरएमएस वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपने आगे जंप करें तो आपने ये कहेंगे, एक सिस्टम मैंने और दिखाया हुआ है, सर इस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें वायर कितने हैं? वन टू एंड थ्री, तीन वायर है और एक कॉमन वायर है, दैट इज कॉल्ड ए न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर इज ए कॉमन वायर। ठीक है, उसके अलावा कितने वायर है? सर दो वायर है। इसका मतलब ये थ्री वायर सिस्टम है क्या? हाँ, ये थ्री वायर सिस्टम है। आपने देखा होगा हमारे घरों में ज्यादातर जितने भी होम अप्लायंस होते हैं तो उनके अंदर थ्री वायर सिस्टम होता है, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, और फेज एक ही होता है। अब जरा यहां से गौर से देखो, यहाँ पे भी वीपी है, मान लो 120 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 120 वोल्ट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का फेज भी सेम है। अगर बच्चों मैग्नीट्यूड भी सेम है, फेज भी सेम है, तो आप यूं कह सकते हो कि ये सिंगल फेज सर्किट है। हाँ, इसका मतलब आप सर्किट देख के ये नहीं कह सकते कि यार ये टू फेज है या थ्री फेज है, मतलब हर किसी को यूं नहीं कह सकते। अब जैसे मैंने आपके सामने ये दिखाई दिया कि ये वाला जो सिस्टम है ये आपका सिंगल फेज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि दोनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वोल्टेज का फेज भी सेम है। इसका मतलब दिस इज सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। अब इसका बेनिफिट क्या है बच्चों? इसका बेनिफिट ये है कि आप कई बार होता है ना घरों के अंदर, वैसे तो 120 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ बड़े अप्लायंस जब लगाते हैं तो हमें 240 वोल्ट चाहिए,
चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 240 वोल्ट या 230 वोल्ट चाहिए, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, इन दोनों फेज को मिला के, जो एक ही फेज है, इन दोनों की वोल्टेज को मिला के हम कॉमनली 240 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी थोड़ी सी जानकारी। आगे देखो, नॉर्मल हाउस होल्ड सिस्टम इज सिंगल फेज थ्री वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सर पॉलीफेज क्या होता है, तो पॉलीफेज के बारे में देखो बच्चों, सर्किट और सिस्टम इन विच द एसी सोर्स ऑपरेट एट सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा, इफ वी टॉक अबाउट रेडियन फ्रीक्वेंसी, ओके, बट डिफरेंट फेज, जैसे ये 0 डिग्री है, ये -90 डिग्री है, इसका मतलब आप इन दोनों वोल्टेज को, मैग्नीट्यूड तो सेम है मान लो, लेकिन इन दोनों का फेज डिफरेंस अलग हो गया, अलग हो गया, इसका मतलब आप इन दोनों को अलग अलग दिखाओगे, क्योंकि एक को तो रेफरेंस 0 डिग्री पे दिखाओगे और दूसरे को 90 डिग्री माइनस पे दिखाओगे। इसका मतलब क्या है, ये दो वोल्टेज अलग अलग दिखाओगे, तो इसका मतलब ये पॉलीफेज सिस्टम हो गया है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड, वायर तो तीन है लेकिन फेज कितने हैं बच्चों, 1 और 2, दैट सिस्टम इज कॉल्ड टू फेज थ्री वायर सिस्टम। ओके नेक्स्ट, अब ये वाला सिस्टम देखो आगे, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम आपने बहुत सा सुना होगा बच्चों। आगे हम पावर सिस्टम में बात करते हैं कि ट्रांसमिशन और सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जनरली किससे होता है, तो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज टू बी अडेप्टेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन मोस्टली प्रेफर्ड थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। वो हम वहां पे बात करेंगे कि वाई वी प्रेफर्ड थ्री फेज थ्री वायर एंड वाई वी प्रेफर्ड थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो ये जो मैंने सिस्टम दिखा रखा है अभी, तो आपको यही पहचानना है कि तीन फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों तीनों का फेज डिफरेंस देखो, एक 0 डिग्री पे है। लेट मी टेक इट रेफरेंस, सॉरी यहां लेता हूं मैं, अगर मैंने इसको रेफरेंस लिया 0 डिग्री, एक है -120 डिग्री, तो -120 डिग्री विल मूव हेयर क्योंकि लैग करेगा -120 डिग्री। अनदर वन इज ए +120 डिग्री, इसका क्या है बच्चों, +120 डिग्री है, इसका मतलब इट विल मूव हेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों सीधी सी बात यही है कि तीन फेज हैं जो तीनों ही आपको अलग अलग जगह लोकेशन पे दिखा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये तीनों जो वोल्टेज हैं, ये थ्री फेज वोल्टेज कंसिडर होगी, इट मीन सिस्टम इज थ्री फेज। अब सिस्टम इज थ्री फेज और फोर वायर, वायर वन वायर टू वायर थ्री एंड वायर फोर, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है। ओके चलो, अब देखो एक चीज जानो, एक क्वेश्चन आता है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2012 के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जहां तक मुझे याद है बच्चों, 2012 में एक पेपर हुआ था जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, उसके बाद तो फ्लॉपी हो गई बेचारी। अभी भी पिछली बार 2-3 वैकेंसी निकली थी, सॉरी 8-1 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की निकली थी, उससे पहले भी 6-7 निकली थी, और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ये फेज डिफरेंस से निकालते कैसे हैं, जैसे तीन फेज है बच्चों, तो तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये फॉर्मूला पूछते हैं। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई एन, क्या होता है 360 डिग्री बाई एन, और एन क्या होता है टोटल फेज, इसका मतलब ये थ्री फेज है। तो आपको ये चेक करना है बच्चों कि दो रिस्पेक्टिव वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 360 डिग्री बाई 3 कर दो बच्चों, तो आप इजीली लिख सकते हो 120 डिग्री, करेक्ट है। इसी तरह बच्चों कई जगह तो, जैसे वैसे हम तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा फेज लिए जाते हैं, जैसे 48-48 फेज लिए जाते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें बच्चों टू फेज की, टू फेज की बात करें तो 360 डिग्री बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 360 डिग्री बाई 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री, इसका मतलब है कि आपको 180 डिग्री मिलेगा, समझ रहे हो कहानी। इसका मतलब यही है बच्चों
कि ये बस फॉर्मूला याद रखो, ये एग्जाम में आया हुआ है। जहां जहां बच्चों क्वेश्चन आपको याद रखना है वो याद रख लो, बाकी चीजें आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखो। तो अभी मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, एग्जाम के लिए सिर्फ यही पॉइंट अभी तक इम्पोर्टेंट है, बाकी मैंने समझाया है कि थ्री फेज कब होता है, वन फेज कब होता है, ठीक है, ये सब हमने बात की थी। नेक्स्ट देखो आगे, ओके ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूं बच्चों, 360 डिग्री बाय थीटा, थ्री मतलब थ्री फेज के लिए, तो दो फेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री। अब हम बात करेंगे बच्चों थ्री फेज सिस्टम कितने टाइप का है। तो देखो बच्चों ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता भी है कि एक तो स्टार होता है उसके अंदर हम थ्री फेस बना सकते हैं, एक डेल्टा होता है उसके अंदर हम थ्री फेस बना सकते हैं। स्टार के अंदर थ्री फेस होगा, डेल्टा के अंदर थ्री फेस होगा, इसका मतलब दो टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं पॉलीफेस सिस्टम में, और मेनली हम थ्री फेस ही पढ़ेंगे। तो थ्री फेस बनाने के लिए दो कनेक्शन हो सकते हैं, मे बी स्टार और मे बी डेल्टा कनेक्शन, ओके। और स्टार डेल्टा के फॉर्मूले आपको याद होंगे उम्मीद है। चलो देखो आगे, तो मैं जनरली क्या है स्टार कनेक्शन की ही बात कर लेता हूं, आपको थोड़ी कुछ चीजें समझानी है वो मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे 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 करते रहो, बाकी क्वेश्चन लगाएंगे तब सारी चीजें होंगी। देखो बच्चों ये जो है ये आपका पूरा फेज होता है, ये भी फेज होता है और ये भी फेज होता है। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा में भी यही है, डेल्टा में न्यूट्रल हम कंसीडर नहीं करते, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये एक फेज है, ये एक फेज है और ये फेज है, इसका मतलब यहां पे जो तीनों चीजें हम दिखाएंगे वो फेज दिखाएंगे, ओके। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, ये न्यूट्रल है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है बच्चों, स्टार के अंदर अगर बात करें हम तो स्टार के अंदर ये लाइन है बच्चों, फेज है और ये न्यूट्रल है, तो फेज और न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज होती है बच्चों उसे कहते हैं लाइन वोल्टेज, समझ गए, सॉरी फेज वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज कहलाती है फेज वोल्टेज। इसका मतलब वी ए एन, वी सी एन और वी बी एन, ये सारी की सारी कौन सी वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है, समझ लो बच्चों अभी, क्योंकि ये आगे बार बार फिर हम बात करते हैं ना, ये फेज वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है, तो थोड़ा सा समझ लो अगर नहीं पता तो। और वी ए बी, वी बी सी, जैसे ये वी ए बी है ना इन दोनों के बीच में, तो ये वी ए बी बच्चों दो लाइन के बीच में है, दो लाइन के बीच में है तो वी कॉल्ड इट लाइन वोल्टेज। उसी तरह वी बी सी, ये भी दो लाइन के बीच में है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेज वोल्टेज। वी ए बी हो गया, वी बी सी हो गया, फिर अगर हम बात करें वी ए सी, तो ये भी कौन सा वोल्टेज है बच्चों, लाइन वोल्टेज है। इसका मतलब आपको सीधा सा फैक्ट ये याद रखना है कि एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज आपका कहलाएगा फेज वोल्टेज, और दो लाइन के बीच का वोल्टेज आपका कहलाएगा लाइन वोल्टेज, ठीक है, ओके। द वोल्टेज सोर्स हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर बाय 120 डिग्री, द वोल्टेज आर सेट टू बी ए बैलेंस। भाई बैलेंस का मतलब होता है कि सबके अंदर फेज डिफरेंस सेम हो, है ना, 120 डिग्री। अब थ्री फेज है तो बच्चों लेट मी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड कि सबके अंदर 120 डिग्री फेज डिफरेंस होगा और इनका फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगा, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, बैलेंस सिस्टम, ठीक है। बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे, बैलेंस सिस्टम का मतलब आप बच्चों यूं ही समझ सकते हो कि जैसे कोई फॉल्ट वगैरह आता है या शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है या फॉल्ट वगैरह होता है तो न्यूट्रल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू ग्राउंड, ओके। लेकिन जब तक बच्चों
सिस्टम बैलेंस रहेगा, न्यूट्रल का कोई यूज नहीं है। इसका मतलब न्यूट्रल वायर से ना कभी करंट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि न्यूट्रल वायर से अगर हम बात करें इसके अंदर स्टार कनेक्शन के अंदर, तो करंट तभी जाता है अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट क्रिएट होता है, क्योंकि ये वायर, जो वायर दिया होता है आपको, ये वायर इसीलिए दिया होता है ताकि ये आगे जाके आपका न्यूट्रल के अंदर, ग्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब बच्चों जब तक बैलेंस रहेगा कोई फॉल्ट आएगा नहीं, तीनों फेस आपके इजीली ऑपरेट होंगे। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा तो बच्चों न्यूट्रल के अंदर कुछ ना कुछ करंट होगा, और न्यूट्रल के अंदर करंट होगा तो डेफिनेटली बच्चों बात सीधी सी ये है कि आपका सिस्टम अनबैलेंस होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, पहले ही बता देता हूँ कि बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल ब्रांच में करंट होता है जीरो, क्योंकि यूज ही नहीं है। अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल ब्रांच में करंट होता है तो आप क्या लिखोगे बच्चों, कि होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये मैंने दिखा दिया बच्चों वी ए एन फेज वोल्टेज है, वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन। आप आर वाई बी भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है, आर वाई बी भी ले सकते हो यहाँ पे जो आपको ठीक लगे। बैलेंस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, इन तीनों फेज वोल्टेज का सम जीरो होता है। सर कैसे होता है, पहले तो इसको याद करो कि तीनों फेज वोल्टेज का सम जीरो होता है, और तीनों फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बैलेंस सिस्टम में सेम होता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया बच्चों, क्यों देखो जरा इधर, अगर मैं पीछे बात करूं, ये देखो सबका वोल्टेज क्या है, थ्री फेज है लेकिन सबका वोल्टेज क्या है, वीपी वीपी वीपी। इसका मतलब तीनों का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है, समझ रहे हो बात को, ओके। और बैलेंस सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब बैलेंस सिस्टम के अंदर तीनों फेज वोल्टेज का सम जीरो होगा और इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड समझते हो, रिजल्टेंट, ओके। अब देखो थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं बच्चों। एलोबरेट, एलोबरेट का मतलब है वी ए एन, ये रेफरेंस लिया है हमने, ठीक है। अगर रेफरेंस लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वीपी एंगल जीरो डिग्री, यस सर, ओके। तो बच्चों मैंने एसी सिस्टम में स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो आपकी पोलर फॉर्म है आप इसको बदल सकते हो किसके अंदर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो बदलने के लिए क्या करना है, वीपी तो एज इट इज रहेगा और कोस जीरो डिग्री प्लस आयोटा साइन डिग्री, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा वीपी, निकल के आएगा कि नहीं, तो इसको बोल दो बच्चों पहले इक्वेशन। देखो मैं ये प्रूफ कर रहा हूं, देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं किसी चीज का डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं और प्रूफ नहीं करूं, और आपको प्रूफ में कोई इंटरेस्ट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरे लिए दो मिनट का काम है, ठीक है। लेकिन मैं ज्यादा स्टडी को हेक्टिक नहीं बनाऊंगा, मैं स्टडी को वैसा रखूंगा कि हर बच्चा क्या है, डरे नहीं और वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करके आए। मेरा टारगेट वही है, मेरा टारगेट क्वेश्चन करवाना ही है आपसे एग्जाम के अंदर। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको गाथाएं बताऊं, रामायण बताऊं, महाभारत बताऊं और आपको महारथी बना के भेजूं। मेरा महारथी उतना ही बनाना है जितना एग्जाम के अंदर आएगा, वो आप करके आओ, ठीक है। फिर भी आपको कभी कोई चीज का डेरिवेशन हो या प्रूफ हो तो मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी जितना मुझे जरूरी लगेगा उतना मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये सब आपने लिखा तो वीपी आ गया आपका, ओके। अब बात करें बच्चों वीसीएन की, तो वीसीएन बच्चों अगर मैं एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इधर चलूं, ये वैसे मैंने पहले ही बता रखा है, वीसीएन एक बात बताओ आपके रेफरेंस वोल्टेज से लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। अब भाई इस हिसाब से देख के तो ये लीड कर रहा है, लेकिन लैगिंग लीडिंग का जब फेस सीक्वेंस चलता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। क्या चलता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखें तो वीपी माइनस 240 डिग्री, लेकिन ये हम माइनस 240 डिग्री ले नहीं सकते, तो हम इसकी जगह क्या लेंगे, वीपी एंगल 120 डिग्री लेंगे। सर ऐसा क्यों, देखो फेस सीक्वेंस तो आपका एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, एक चीज ध्यान रखनी है, लेट मी रिमेम्बर, फेस सीक्वेंस तो आपका एबीसी ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वीपी 120 डिग्री ले रहे हैं या आप माइनस 240 डिग्री भी ले सकते हो,
लेकिन हम ले रहे हैं वीपी एंगल 120 डिग्री, इसका मतलब यही है बच्चों कि 360 डिग्री बाई थीटा, क्योंकि थ्री फेज है ये, थ्री फेज है, इसका मतलब तीन फेज है, तो एंगल विल बी ऑलवेज टेकन इन टर्म ऑफ 120 डिग्री। ओके, अब आपको पता है इधर से लेते तो ये माइनस का 120 डिग्री और ये माइनस का 120 डिग्री, तो माइनस का 240 डिग्री आ जाता। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों आगे, तो आगे ये है कि वीपी कोस 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री, आप इनको रख दो, आपके पास ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। ये चीज बच्चों आप याद रखना चाहो याद रख लो, पावर सिस्टम में भी एक दो जगह आएगा जब मैं आपको वो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नेटवर्क, तब थोड़ा सा इसके बारे में आएगा, इसलिए ये थोड़ा सा बेसिक जान लो। कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है कि वीपी 120 डिग्री एंगल कैन बी रिटन एज, तो रिटन एज माइनस 0.5 प्लस आयोटा या जे 0.866, क्योंकि ये साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेचर में है, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये भी सेकंड क्वाड्रेचर में है, तो सेकंड क्वाड्रेचर में कोस विल ऑलवेज नेगेटिव, है ना। फिर आएगा वीबीएन, तो ये आपको पता ही है माइनस 120 डिग्री, तो माइनस 120 डिग्री का मतलब आप ये लिखोगे। अब कोस माइनस 120 डिग्री, तो एक चीज ध्यान रखनी है, कोस में अगर माइनस 120 डिग्री लिखा है तो उस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज आपको पता होगी, कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कोस 120 डिग्री निकालोगे तो डेफिनेटली बच्चों बात सीधी सी यही है, कोस आएगा माइनस का, किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि वो सीधा सा आपका जाएगा किसके अंदर, रिटर्न के अंदर, थर्ड क्वाड्रेचर के अंदर, तो वहां कोस माइनस का आएगा आपका, तो कहने का मतलब माइनस 0.5। और साइन माइनस 120 डिग्री लिखोगे आएगा तो 0.866, लेकिन माइनस का आएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या मेरा जीरो आएगा क्या, यही मुझे प्रूफ करना था कि बैलेंस सिस्टम के अंदर, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में इनका सम जीरो होता है, रिजल्टेंट ये वाले हैं बच्चों, अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारा जीरो आएगा, क्योंकि ये प्लस का वीपी है, ये माइनस का 0.5 वीपी और ये माइनस का 0.5 वीपी, तो ये माइनस का 0.5 और माइनस का 0.5 मिलके बन गया आपका माइनस का वीपी, और माइनस का वीपी इस प्लस वीपी को कैंसिल कर देगा। अब ये बन गया प्लस का जे 0.866 और ये माइनस का जे, जब आप ऐड करोगे तो ये भी क्या है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ओवरऑल आपका फेज वोल्टेज का सम बैलेंस सर्किट के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो। और बैलेंस सिस्टम के अंदर वी ए एन का मैग्नीट्यूड, वी बी एन, ये मैग्नीट्यूड बच्चों, ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बच्चों, ये सारे आपस में कट जाएंगे, वही क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे फेज सीक्वेंस की, फेज, एक मिनट रुको, फेज सीक्वेंस, तो कुछ नहीं करना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि आप आर वाई बी भी ले सकते हो। ठीक है, आप एक ही जगह आर, ठीक है, अब हमें फेज सीक्वेंस लेना होता है, ये बी है आपका, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको जब फेज सीक्वेंस लेना है तो बच्चों यू हैव टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका फेज सीक्वेंस आएगा ए बी सी। अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, ए से स्टार्ट कर रहे हो तो ए बी सी, लेकिन आप ए से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो आएगा बी सी ए, क्या आएगा बच्चों, बी सी ए। ठीक है, लेकिन आप इससे भी स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, आप सी से करना चाह रहे हो तो सी से कर दो बच्चों, सी ए बी, क्या आएगा, सी ए बी। ये जितने भी फेज सीक्वेंस है बच्चों, दे आर कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, लेकिन अगर मैंने, ये सारे पॉजिटिव सीक्वेंस है, कोई भी आप ले सकते हो, अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो, सिस्टम बैलेंस रहेगा। लेकिन बच्चों अगर हम उल्टा ले लें, उल्टे का मतलब है ए सी बी, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस होगा,
नेगेटिव फेज सीक्वेंस होगा, मतलब अपोजिट फेज सीक्वेंस होगा, एक्चुअल में जो होना चाहिए वो नहीं होगा, सी बी ए। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस ए सी बी, सी बी ए, डी ए सी, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस है। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये दो रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चों, ये तो याद करने हैं और शायद आपको पता भी होंगे। और ये मैं पहले इंपीडेंस वाला तो मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, अगर कोई बैलेंस स्टार कनेक्शन है या कोई बैलेंस डेल्टा कनेक्शन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ये। तो मैंने अगर आपको याद हो बच्चों स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि अगर डेल्टा ब्रांच या स्टार ब्रांच का सबका रेजिस्टेंस सेम है तो डेल्टा और स्टार ब्रांच के रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, आर डेल्टा होता है आपका 3R स्टार। उसी तरह बच्चों यहाँ पे जब हम बात करेंगे पॉलीफेज के अंदर तो हम इंपीडेंस की बात करेंगे, इसका मतलब एक रिलेशन आएगा हमारे पास जेड डेल्टा विल बी इक्वल टू 3Z स्टार, करेक्ट है। ओके डेल्टा पावर जो होती है बैलेंस स्टार या बैलेंस डेल्टा के अंदर वो भी आपके 3 टाइम्स होती है, किसकी बच्चों, स्टार पावर की। इसका मतलब अगर कोई बैलेंस डेल्टा सिस्टम है और स्टार सिस्टम है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच वन सिस्टम विल शो द हाईएस्ट पावर, तो आप क्या टिक करोगे, डेल्टा विल शो द हाईएस्ट पावर। फिर आपसे पूछेगा कि हाउ मच ऑफ स्टार पावर, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स ऑफ स्टार पावर। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन लिया है बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है, वैसे एग्जाम में कभी इस टाइप का आया नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लो। आपको ये दे दिया और आपको बोला कि इनका फेज सीक्वेंस निकालो, भाई फेज सीक्वेंस क्या होगा, तो देखो कुछ भी नहीं है, इन सबको तो भूल जाओ, ये तो मैग्नीट्यूड सेम है तो ये बता रहा है कि सिस्टम बैलेंस है। ओके अब ये बैलेंस है तो आप बोल दो सर 120 डिग्री है, वो एक मिनट रुक जाओ, देखो इधर VAN जो है जिसे आप रेफरेंस ले रहे हो बच्चों वो 10 डिग्री पे है, इसका मतलब अब की बार आपको रेफरेंस कुछ और मानना पड़ेगा, ये मान लिया मैंने 0 डिग्री, कोई भी एक्स वाई जेड रेफरेंस ले लिया, मेरी मर्जी है जो मन चाहे वो लूं, ठीक है। अब मेरे को VAN को दिखाना है प्लस 10 डिग्री पे, तो प्लस 10 पे दिखाना है तो बच्चों आप ऊपर की तरफ दिखाओगे, इसका मतलब ये मेरा VN हो गया, अब ये रेफरेंस है हमारा, ठीक है VN। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है और उसी के बेसिस पे हम फेज सीक्वेंस बता देंगे। अब दिखाना है VBN माइनस 230 डिग्री, अब VBN माइनस 230 डिग्री दिखाना है तो बच्चों माइनस तो इधर होगा, ये कितना हो गया 90 हो गया, ये कितना हो गया 180, 180 के बाद में 50, ये हो गया 230, इसका मतलब ये रहा बच्चों VBN, क्या रहा VBN, ठीक है समझ में आ गया। ओके अब नेक्स्ट अगर बात करें VCN दिखाना है माइनस 110 डिग्री, तो यहां से माइनस 110 दिखाओ। सर VAN से क्यों नहीं लिया, बच्चों VAN से नहीं लेना है, VAN जहां से लिया है ना वहां से लेना है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं VAN और VCN की बात करूं तो बताओ, अगर मैं VAN को, अब हमें X को रेफरेंस लेना है बच्चों, अगर मैं VAN को रेफरेंस लूं और मैं इस साइड देखूं तो कितना बनेगा, सर सर ये हो गया माइनस का 110 और ये हो गया 10, तो टोटल 120 डिग्री, माइनस का 120 डिग्री, इसका मतलब यही है बच्चों कि आपका VAN लीड कर रहा है VCN से कितना 120 डिग्री, कितना लीड कर रहा है 120 डिग्री। ओके नेक्स्ट बात करें, वैसे तो आप फेस सीधा ही बता दोगे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो ACB आएगा फेस सीक्वेंस, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। ओके
VCN लीड कर रहा है VBN से 120 डिग्री VCN। अब थोड़ा जरा एक चीज देखो, अगर मैं यहां से चलूं इधर की तरफ तो प्लस का आएगा एंगल, और प्लस का कितना आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब आप ये कह सकते हो भाई, इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये VBN यहाँ आएगा और VCN आपका यहाँ पे आएगा। तो अगर आप ऐसे लेते हो क्लॉकवाइज, इट विल शो द 120 डिग्री। क्या दिखाएगा बच्चों? 120 डिग्री दिखाएगा। सर ऐसे दिखा दे क्या? अरे ऐसे किसको दिखा रहे हो? थ्री फेज है ना, थ्री फेज है तो क्या 120 डिग्री से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर, इसका मतलब हमें इस वे में ही दिखाना पड़ेगा। तो आप यूं कहोगे कि VCN लीड कर रहा है VBN से, क्यों? क्योंकि जब आप इधर आओगे तो आगे कौन है? VCN है। इसको थोड़ा सा अगर आप यूं घुमा दो, VBN को यहां ले आओ और VCN तब आपका यहां आ जाएगा, ठीक है? तो 120 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, तो फेस सीक्वेंस पता चल गया बच्चों? फेस सीक्वेंस तो बनाते ही पता चल जाएगा, ACN आएगा, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके तो ये जो चीज है ये आप ऑलरेडी पहले ही जानते हो, ठीक है? स्टार और डेल्टा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो रिलेशन आपको दिखाए हुए हैं, आपको बताइए होगा बच्चों कि स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है VL इक्वल टू रूट थ्री VPH। VL इक्वल टू क्या होता है? रूट थ्री VPH, ठीक है? देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। और लाइन करंट विल बी इक्वल टू फेज करंट। तो जरा एक चीज बताओ बच्चों, देखो एक चीज याद रहेगी तो दूसरी याद रहेगी। ये यहां से लेके यहां तक क्या है? एक फेज है। इसका मतलब इसके अंदर जो करंट होगा फेज करंट होगा। अब एक बात बताओ, ये तो लाइन है ना, अब ये जो लाइन करंट आ रहा है क्या ये आगे जाके कहीं बंट रहा है क्या? मतलब दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब आप इजीली कह सकते हो कि लाइन वोल्टेज बराबर है फेज वोल्टेज के। तो दूसरी चीज अपने आप याद रहेगी, दूसरी चीज आप ऐसे देखो, ये वी लाइन वोल्टेज है तो क्या इसी फेज वोल्टेज के बराबर है क्या? ये नहीं है। इसका मतलब वी लाइन इक्वल टू रूट थ्री VPH। ये याद कर लो बच्चों, एक क्वेश्चन तो 100% यहाँ से बनेगा ही बनेगा, चाहे इजी बने चाहे टफ बने, ठीक है? चाहे हमारे लिए इजी हो या टफ हो। नेक्स्ट बात करें डेल्टा कनेक्शन के अंदर, तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर अगर बात करें बच्चों तो ये है आपका फेज वोल्टेज, करेक्ट है? ये फेज वोल्टेज है। सप्लाई दी आपने लाइन वोल्टेज, तो क्या लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होंगे क्या? ऐसे लग रहा है क्या देखने से? याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो एक चीज सुनो, ये दोनों टर्मिनल जो है यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी उतनी वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल पे होगी। इसका मतलब ये वाला फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज बराबर होंगे? बराबर होंगे। तो दूसरा बराबर नहीं होगा भाई, क्यों? क्योंकि देखो इधर जरा, यहाँ पे जब लाइन करंट आएगा तो वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इसका मतलब आई लाइन आई फेज नहीं होगा, आई लाइन विल बी इक्वल टू रूट थ्री आई फेज, ठीक है? तो स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इक्वल टू फेज वोल्टेज। इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ओके नेक्स्ट देखो, अब कुछ बातें यहां लिखी हुई हैं। इन बैलेंस सिस्टम वोल्टेज अक्रॉस न्यूट्रल वायर इज जीरो, डेफिनेटली जीरो बच्चों, क्योंकि जब तक सिस्टम बैलेंस रहेगा तब तक न्यूट्रल वायर में कोई हलचल होगी नहीं किसी भी टाइप की, तो करंट भी जीरो और वो सारी चीजें जीरो होंगी। बैलेंस सिस्टम करंट थ्रू द न्यूट्रल इज जीरो, इसका मतलब आई एन विल बी जीरो। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2012 में आया था। इन अनबैलेंस का मतलब मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बताया हुआ है कि फॉल्ट वगैरह आना, ठीक है? कैसे ही फॉल्ट हो सकते हैं? लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, थ्री फेज फॉल्ट, वो सब हम पावर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो करंट थ्रू द न्यूट्रल विल नॉट बी जीरो, क्योंकि भाई फॉल्ट आएगा और न्यूट्रल है तो वो ग्राउंड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो करंट विल बी पास्ड फ्रॉम दैट।
अब बात करते हैं फेजर्स की। देखो फेजर्स मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूं आपको, हालांकि ये जो स्टार और डेल्टा का जो फेजर बनेगा बच्चों आपका, मेजरमेंट के अंदर वॉट मीटर आएगा, वॉट मीटर के अंदर मैं ये फेजर दोबारा से बनाऊंगा। पहले तो एक बात बताओ, हमें तो सबसे पहले फेज वोल्टेज दिखा देनी है। मैं यहाँ पे फेजर के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा हूं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के अंदर रिलेशन। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो ये स्टार कनेक्शन है, ठीक है, ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज आप देख रहे हो, यहाँ पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दो टाइप की वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है आपकी, ये कौन सी वोल्टेज है, वी ए एन, अगर मैं इसको ए मान लू, ठीक है, ये आपका क्या है, बी है, तो इसको मैं मान लेता हूं वी बी एन, ये फेज वोल्टेज, ये वाली फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, फिर ये वी सी एन, ये तीनों फेज वोल्टेज है। लेकिन मुझे क्या करना है सर, लाइन वोल्टेज वगैरह निकालना है। अगर मेरे को बच्चों फेज वोल्टेज दी है, लाइन वोल्टेज निकालनी है, जैसे ये निकालनी है लाइन वोल्टेज, तो ये लाइन वोल्टेज क्या कहलाएगी बच्चों, ये लाइन वोल्टेज कहलाएगी वी ए बी। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, वी ए बी एक्चुअली होता है बच्चों वी ए एन माइनस वी बी एन, ठीक है। अब आपने ये फेजर बनाया, अब आपको एक चीज तो पता है ना, वी ए एन वी बी एन और वी सी एन एक दूसरे से 120 डिग्री पे शिफ्ट होते हैं, बिकॉज दे आर थ्री फेज, करेक्ट है, बिकॉज दे आर थ्री फेज। इसका मतलब ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, ओके। अब एक बात बताओ, ये जो आपने चीज दिखाई है, ये पॉजिटिव फेज सिक्वेंस है यहां से, इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हमने ली है सारी की सारी पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर बच्चों मैं VC VAN जो है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर मैं इसके अपोजिट दिखाऊं VAN तो वो मेरा क्या आएगा, माइनस का, वो क्या आएगा, माइनस का। VBN के अपोजिट अगर मैं कोई चीज दिखाऊं तो वो मेरा क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि ये पॉजिटिव का है। और वी सी एन के अगर मैं अपोजिट दिखाऊं तो वो भी मेरा क्या आएगा, माइनस का। अब बात ये नहीं है, बात ये है बच्चों कि जब आप ये लाइन दिखा रहे हो तो वो वी सी एन और वी बी एन के बीच में 120 डिग्री है, तो सेंटर से निकल रहा है क्या, हाँ सर सेंटर से निकल रहा है। इसका मतलब 60 डिग्री इधर होगा, 60 डिग्री इधर होगा, करेक्ट है क्या, हाँ सर करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों मैंने यहाँ पे वी ए बी निकालना है लाइन वोल्टेज, तो ये जो वी बी एन है नेगेटिव का, ये आपका वी ए एन और वी सी एन के सेंटर में से जाएगा, तो ये कितना होगा सर, 60 डिग्री होगा, ओके 60 डिग्री। अब कुछ नहीं करना बच्चों, अब आपको वी ए बी निकालना है, तो आप यहां से बनाओगे पैरेललोग्राम, क्या बनाओगे बच्चों, पैरेललोग्राम बन गया, तो ये आपका आ गया वी ए बी, और ये कौन सी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, क्योंकि वी ए बी प्लस का वी एन और माइनस का वी बी एन, क्योंकि ये तो प्लस का है, अब ये हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन आएगी वो भी तो बच्चों 60 डिग्री के एकदम सेंटर में आएगी ना, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के सेंटर में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि डेल्टा में स्टार में, डेल्टा में या स्टार में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, देन आंसर विल बी 30 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे करंट भी ले सकते हैं, फेज करंट और लाइन करंट के बीच में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कितना लीड करेगी, 30 डिग्री। समझ रहे हो बात को, तो ये सारे पॉइंट मेरे को थोड़ा सा बताने थे, बस ये रिलेशन आपको थोड़ा दिखाना था, ठीक है, ओके। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आर सेपरेटेड बाय 30 डिग्री, ये एग्जाम में आ जाता है, याद कर लो इसको, ओके नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे, ये थी बच्चों थ्योरी, ठीक है, लगभग जितने भी आपको थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नेटवर्क के अंदर जाननी थी आपने जान ली, ठीक है। कुछ एक दो पॉइंट और है जो मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर कर दूंगा, ओके।
पहला क्वेश्चन देखो, इन ए डेल्टा कनेक्शन द लाइन वोल्टेज लैग्स बिहाइंड फेज वोल्टेज, सॉरी फेज करंट। यहां पे वोल्टेज की जगह करंट करो क्योंकि ये करंट पूछ रहा है, क्योंकि वोल्टेज तो अभी हमने देखा था कि लीड कर रहा था ना, वोल्टेज तो लीड करता है, करंट लैग करती है। तो इसने पूछा है कि लाइन करंट जो है लैग बिहाइंड द फेज करंट, तो हमेशा बच्चों ये डिफरेंस 30 डिग्री ही रहेगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में रिलेशन और लाइन करंट फेज करंट में रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, 30 डिग्री। लाइन करंट विल लैग्स फेज करंट बाय 30 डिग्री एंड लाइन वोल्टेज विल लीड फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। उत्तर प्रदेश नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये यूपी जेई के एग्जाम में आया हुआ है और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आया। फॉर स्टार कनेक्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो स्टार के अंदर क्या होता है बच्चों, ये स्टार कनेक्शन होता है और स्टार कनेक्शन के अंदर ऑलरेडी आपको पता ही है बच्चों, स्टार कनेक्शन के अंदर जब कोई करंट जाता है, जब भी स्टार कनेक्शन में करंट जाता है तो करंट तो सेम रहेगा, इसका मतलब लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। तो पहले वो ऑप्शन देख लो जहां पे IL बराबर IPH दिया है, तो ए या बी में से आंसर होगा, इन दोनों को कैंसिल कर दो। उसके बाद में फेज वोल्टेज रूट थ्री के टर्म में होती है, तो VL बराबर रूट थ्री VPH, तो ये आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लाइन करंट इनटू डेल्टा कनेक्टेड लोड इन एनी टू लाइंस प्लस 2.5 एम्पियर माइनस 1.25 एम्पियर, देन ये है देन करंट इन द थर्ड लाइन एट इंस्टेंट इज। तो बच्चों देखो, अब हमें ना तो अनबैलेंस का है ना बैलेंस का है, तो जब तक ये बोले नहीं तब तक हम सिस्टम बैलेंस मानेंगे, और बैलेंस सिस्टम में तीनों लाइन करंट का सम होता है जीरो, जीरो होता है। अब आपको दो लाइन जो मन करे वो रख लो, आई आर आई वाई जो रख लो, तो आप दो लाइन करंट रखोगे, आई वाई रख दिया आपने 2.5 प्लस का और ये माइनस का, तो आई आर आपने निकाल लिया माइनस 1.25 एम्पियर। तो इजी सा क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको, उसके अलावा पॉलीफेज सिस्टम में एग्जाम के क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड। कॉम्प्लेक्स पावर का मतलब एपरेंट पावर की बात कर रहा है बच्चों, किसकी, एस की। डिलीवर टू द थ्री फेस बैलेंस लोड ऑफ ए फोर वायर सिस्टम स्टार टू स्टार सर्किट। ओके, वो स्टार सर्किट है और फोर वायर है, इसका मतलब तीन तो लाइन हो गई, मतलब तीन तो आपके सप्लाई फेज हो गए, एक न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल। फिर कह रहा है फेज वोल्टेज ऑफ द स्टार कनेक्टेड सोर्स इज, फेज वोल्टेज दे रखी है स्टार कनेक्टेड की, VPH इक्वल टू 110 वोल्ट एंड द लोड इंपीडेंस इज, ये लोड इंपीडेंस दे रखा है। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश 2017 में आया है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको पावर निकालनी है, सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों अगर सिंगल फेस होता है तो S बराबर VI कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, लेकिन अभी थ्री फेस है तो तीन बार इनको जोड़ो बच्चों, क्योंकि तीन आएंगे ना, तीन फेज आएंगे, एक इस फेज का आएगा, एक इस फेज का आएगा और एक इस फेज का आएगा, तो तीन फेज का आएगा, तो थ्री VPH IPH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, और VPH बच्चों एक तो आपको दे ही रखा है 110 वोल्ट, तो ये तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें निकालना है IPH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो IPH कैसे निकलेगा भाई, VPH अपॉन ZPH, ये आपने रख दिया VPH और ZPH दिया था। अब आपको पता है कि नीचे सर कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो कॉम्प्लेक्स टर्म है तो इसको हटा दो, हटाओगे कैसे, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या करना है, अपोजिट साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तामझाम आपके पास बचेगा। फिर IPH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो, तो ये माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और ये वाला डेटा आप वापस उठा के यहां रख दो और फिर मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे और आंसर आ जाएगा आपका ए, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आया हुआ है नॉर्मल फेज सीक्वेंस ऑफ ए थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम। तो देखो आर वाई बी होता है, वैसे आर बी वाई तो चलते ही नहीं, हम बी आर वाई नहीं चलते, वाई आर बी नहीं चलते, हम हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम ऐसे चलते हैं तो तीनों ही हमारे आंसर होते हैं। हम हमेशा क्या चलते हैं फेज सीक्वेंस में, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आर वाई बी इज द नॉर्मल फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज एसी सप्लाई। ओके नेक्स्ट, द पावर इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज टाइम्स द पावर इन स्टार कनेक्टेड। तो बच्चों मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया था, इंपीडेंस भी थ्री टाइम होता है और पावर भी आपकी डेल्टा के अंदर जो है वो स्टार की कितना टाइम्स होती है, थ्री टाइम्स होती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2017 में पूछा हुआ है और ये बच्चों रिजल्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है स्टार पावर दे देता है और आपको बोलता है डेल्टा पावर कैलकुलेट करो। ओके चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा क्वेश्चन घूम गया है तो थोड़ा देख लो इसको, मैं रोटेट करता हूं। ओके तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, द पावर टेकन बाय थ्री फेस लोड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। देखो बच्चों एक चीज सुनो, जब भी हम बात करते थे जैसे मैंने स्टार कनेक्शन बनाया, जब तक मान लो बच्चों मैं अगर एक ही फेज लेता हूं तो एक फेज की मेरी पावर क्या होगी बच्चों, बोलो। सर एक फेज के लिए पावर होती है वीपीएच आईपीएच कॉस फाई, ठीक है। और ऐसे यहां पे कितने फेज हैं सर, तीन फेज हैं, एक दो और तीन। अगर तीन फेज है तो तीन फेज के लिए टोटल पावर कितनी हो जाएगी सर, तीनों को ऐड करो, थ्री वीपीएच आईपीएच कॉस फाई। ओके डेल्टा में भी यही होगा, हाँ यही होगा। अब सुनो इधर, हमें लाइन की टर्म में निकालना है, वीएल का मतलब होता है लाइन वोल्टेज। ओके इसका मतलब वीएल तो यहाँ पे, ये तो फेज की टर्म में आया, तो इनमें से अगर देखा जाए ना तो ये आंसर होगा ना ये सब। अब आपको पता है कि बच्चों स्टार और डेल्टा में लाइन और फेज वोल्टेज का रिलेशन पता है, स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज होती है वीएल इक्वल टू रूट थ्री वीपीएच। तो वीपीएच कितना निकला यहां से सर, वीएल बाई रूट थ्री। ओके लाइन करंट कितना होगा, आईएल इक्वल टू आईपीएच, करेक्ट है। ओके तो आईएल इक्वल टू आईपीएच को आप हटाओ यहां से। अब जितने भी डेटा हैं यहाँ पे फेज वोल्टेज और फेज करंट को आप रख दो लाइन की टर्म में, वीएल बाई रूट थ्री रख दो और आईएल रख दो। जब आप ये चीज रखोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, थ्री इंटू वीएल बाई रूट थ्री इंटू आईएल। तो रूट थ्री से ये थ्री कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा रूट थ्री वीएल आईएल कॉस वाई। इसका मतलब बच्चों स्टार हो चाहे डेल्टा हो दोनों के अंदर आएगा सेम ही, क्योंकि इसके अंदर भी जब आप ये डेटा रखोगे VL इक्वल टू VPH और IPH इक्वल टू IL बाई रूट थ्री, तो दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है बच्चों क्या, कि फेस के अंदर तो होता है थ्री VPH IPH cos phi, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, ठीक है, लेकिन लाइन के अंदर होता है रूट थ्री VL IL cos phi। क्या होता है रूट थ्री VL IL cos phi। तो कोई भी चाहे स्टार के रिलेशन रख दो चाहे डेल्टा के रिलेशन रख दो, All the relations are same. Okay? Next बात करें। Next question देखो। In a three-phase star connected load, if one of the supply phase gets broken, okay? हाँ ये भी थोड़ा important है बच्चों question। ये कई किताबों में theory के रूप में numerical दिया हुआ है। वो ये कह रहा है कि आपका ये three-phase star connection है, इस question में ये बोला है। तो ये मैं कुछ आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद कराऊंगा क्योंकि इनके डेरिवेशन थोड़े लेंथी है और डेरिवेशन कभी कोई एग्जाम में पूछता नहीं,
क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर चीजें आती हैं सीधी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि अगर एक फेस को हटा दिया जाए बाय चांस एक्सीडेंटली या कुछ भी कारण या तरीके से ये ब्रेक हो जाए, तो आपको बोला है कि द फेस करंट एंड लाइन करंट विल बिकम हाउ मच टाइम्स ऑफ द इनिशियल। तो आप बच्चों ये रिजल्ट याद रखो, स्टार के अंदर लाइन करंट जो होता है वो आपका, ये लाइन करंट कब है, जब आपका एक कनेक्शन एक्सीडेंटली ब्रोक हो जाए या हट जाए, तो आपका लाइन करंट हो जाएगा जो इनिशियल था। इनिशियल का मतलब जब तक ये ब्रेक नहीं होता, तीनों फेज एक्यूरेटली काम करते हैं, तो √3/2 इनिशियल, ठीक है। और फेज भी आपका क्या होता है, √3/2 इनिशियल। क्यों सर ऐसे क्यों हुआ? अरे मेरे भाई, आपको ऑलरेडी पता है कि स्टार के अंदर दोनों सेम रिलेशन में आएंगे। स्टार के अंदर IL इक्वल टू IPH होता है, तो सेम रिलेशन में आते हैं, ठीक है। और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं नीचे, पावर याद रखना बच्चों। स्टार के अंदर जो पावर है, अगर एक कनेक्शन स्टार में हट जाए तो आपका स्टार्टिंग में जो पावर था जब तक कनेक्शन नहीं हटा था उसका हाफ पावर मिलता है। मान लो आपको एग्जाम में दे दे कि 6400 पावर है इनिशियली, 6400 वॉट है, और आपको बोला कि एक कनेक्शन हट जाए तो टोटल पावर कितना रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आधा कर देना होता है। कितना करने देना बताओ, कितना कर देना है बच्चों, आधा कर देना है, समझ गए। तो 3200 विल बी आंसर। अगर हम बात करें डेल्टा की, किसकी बात करें, डेल्टा की, तो डेल्टा की बात करेंगे तो पावर जो है डेल्टा के अंदर वो हो जाएगा 2/3 ऑफ द पी इनिशियल। तो ये रिजल्ट है बच्चों जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये BSNL 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इन ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज ए जेड इक्वल टू 90 angle 30 degree पर फेस, आपको इंपीडेंस दे रखा है पर फेज। व्हाट इज द इंपीडेंस पर फेज इन स्टार, तो बच्चों आपको पता है हर ब्रांच का यही है, तो जेड स्टार आपका कितना होगा, जेड डेल्टा बाय 3। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और ट्रांसको के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 3 से डिवाइड कर दो, 30 angle 30 degree आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपके एग्जाम में पॉलीफेज सर्किट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और पॉलीफेज सर्किट के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज जो आपको आगे के लिए भी ध्यान रखनी है, ओके। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा होगा ट्रांजिएंट एनालिसिस, और ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के लिए आपके दिमाग के अंदर मैं सारी चीज फिट कर दूंगा, और ट्रांजिएंट का क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा। ज्यादा की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके एग्जाम जितना मैं एकदम फिट कर दूंगा, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।